हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सत्यम स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में। गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइनिंग का जो सेकंड सीरीज़ है टेस्ट की, वो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इसमें मैंने लगभग 80% क्वेश्चंस नए रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपको इस सीरीज में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देने को मिल जाए। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं। मोबाइल से इतना पीडीएफ बना बना टेस्ट टाइप करवाना बहुत मुश्किल होता है। सो गाइस, मुझे आशा है कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताना है कि वेब सर्वर यूज्ड विच पोर्ट फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट। जो आपका वेब सर्वर होता है वो किस पोर्ट का यूज़ करता है इनकमिंग रिक्वेस्ट को प्राप्त करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, वो आपका होता है पोर्ट नंबर 80। क्या होता है पोर्ट नंबर 80? ये आपका TCP/IP का पोर्ट नंबर 80 होता है। ठीक, इसमें क्या रहेगा, 80 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन जो आपका होता है 25, ये आपका एक SMTP का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 25। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगर बात आएगी टेलनेट की, तो आपका टेलनेट होता है वो आपका 23 पोर्ट पे वर्क करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि SMTP की सहायता से आप कोई सिक्योर मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए SMTP का 465 जो आपका पोर्ट होता है उसका ही आप यूज़ करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि जो आपका 25 होता है वो आपका बाई डिफ़ॉल्ट SMTP का पोर्ट होता है, और जो आपका 80 होता है वो आपका TCP/IP का पोर्ट होता है, जो आपका 23 होता है वो आपका टेलनेट का पोर्ट होता है, और जो आपका 465 होता है ये आपका SMTP का एक सिक्योर पोर्ट होता है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है इन विच लेयर डिजिटल सिग्नल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी लेयर है जिसमें डिजिटल सिग्नल को चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिजिकल लेयर। ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप इसे कमेंट भी करते रहिए। इससे बेनिफिट आपका क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ध्यान दीजिए, जो आपका काम होता है डिजिटल सिग्नल का चेंज करने का इलेक्ट्रिकल में, ये आपका काम होता है फिजिकल लेयर में। किसमें? फिजिकल लेयर में। ध्यान दीजिए, जो आपकी फिजिकल लेयर है इसी में आपके जो ATM है, FDDI है, ये आपके वर्क करते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, जो आपका फिजिकल लेयर होता है जिसमें डेटा होता है वो आपका बिट्स की फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, 3rd, आपको बताना है यहाँ पर LLC स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि जो आपका LLC होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो आपका होता है LLC, इसका फुल फॉर्म होता है लॉजिक लिंक कंट्रोल। हम ये कह सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक आपका होता है LLC, एक आपका होता है MAC। अच्छा, MAC मतलब क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ध्यान दीजिए, जो आपके MAC और LLC हैं ये आपकी सब लेयर होती हैं वैसे ही मॉडल की, डेटा लिंक लेयर की। किसकी? डेटा लिंक लेयर की। जो आपकी डेटा लिंक ले जो आपकी डेटा लिंक है वो आपकी लेयर है, और जो आपकी LLC और MAC हैं ये उसकी सब लेयर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉजिक लिंक कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 4th, आपको बताना है कि एड्रेस ऑफ IPv4 यूज्ड विच सिंबल। आपने देखा होगा कि जो आपका IP एड्रेस होता है IPv4 वर्जन का, यानी 4th वर्जन का, जिसका IP एड्रेस होता है वो किस सिंबल का प्रयोग करता है। तो ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा कि जो आपका IPv4 एड्रेस होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। मैंने मान लीजिए लिख दिया 201.00.11.22। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक IPv4 का एक एड्रेस है। अच्छा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक डॉट ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है। तो जो आपका IPv4 है वो आपका डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करता है, लेकिन जो आपका होता है IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, वो आपका यूज़ करता है क्या, कॉलन। ध्यान दीजिएगा, बात आएगी IPv6 की तो वहाँ पे आपका आएगा कॉलन, अगर बात आएगी IPv4 की तो वहाँ पर क्या आएगा, डॉट आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको ईमानदारी के साथ में लास्ट में बताना है कि आपने आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हुए हैं। ठीक है, अच्छा लिखा गया यहाँ पर ब्रिज वर्क्स ऑन। आपको बताना है जो आपका ब्रिज होता है, जो आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये उसे मतलब कि किस लेयर पर काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे, सेशन लेयर पे या नेटवर्क लेयर पे। तो ध्यान दीजिए, जो आपका होता है ब्रिज, ये आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये आपकी डेटा लिंक लेयर पे वर्क करती है। लेकिन जो आपके होते हैं हब और रिपीटर, ये आपकी फिजिकल लेयर पे वर्क करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर बात आएगी फिजिकल और सॉरी हब और रिपीटर की, तो वहाँ पर कौन आएगा, फिजिकल लेयर। अगर बात होगी ब्रिज की, तो वहाँ पर कौन आएगा, डेटा लिंक लेयर। चूँकि यहाँ पूछा गया था डेटा लिंक के बारे में, ब्रिज के बारे में, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेटा लिंक लेयर आंसर इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है कि जो आपका एंटीवायरस होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, क्या हमें जो गंदे प्रोग्राम होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, तो सरासर गलत है। डिलीट करप्टेड फाइल के लिए, तो भी गलत है। क्लीन इन्फेक्टेड फाइल्स, जो भी हमारे सिस्टम में इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं उनको क्लीन करने के लिए हम लोग एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7,
आपको बताना है कि ये वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट, एक ऐसा वेब पब्लिशिंग टूल जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, वो कौन सा है? नेविगेटर है? नहीं। हॉटमेल है? नहीं। पेजमेल नहीं है। फ्रंट पेज, जो आपका फ्रंट पेज है, ये आपका एक वेब पब्लिशिंग टूल है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है कि व्हाट प्रोडक्ट डिड अमेजॉन फर्स्ट सेल। जो आपकी अमेजॉन है, जब ये कैसी है, ये आपकी बिजनेस टू सॉरी जबकि क्या है, ये आपकी एक बी टू सी है। क्या है ये? आपकी एक बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। तो आपको बताना है कि जो आपका अमेजॉन है, उसने सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट सेल किया था? तो ध्यान दीजिए, उसने सबसे पहले बुक्स सेल की थी। आपको बताना है कि जो आपके अमेजॉन है, इनका डेवलप इसको किसने किया था, यानी किसकी वेबसाइट है, इसका ऑनर कौन है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके ई कॉमर्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 दिया गया है, व्हाट इज वेब क्रॉलर। आपको बताना है कि जो आपका वेब क्रॉलर होता है, ये क्या करता है? क्या ये कंप्यूटर वायरस है? तो नहीं है। क्या ये ब्राउजर है? नहीं। ध्यान दीजिए, जो आपका क्रॉलर होता है, ये आपका प्रोग्राम होता है जो वेबसाइट को इंडेक्स करता है, यानी कि जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं उनको इंडेक्सिंग करता है। इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मैंने आपको इसको बहुत ही पिछले वाले वीडियो में डिटेल के साथ मैंने इसको समझाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि विच प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट्स डेटा बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउजर्स। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो वेब सर्वर, ये आपका सर्वर हो गया, ये आपका ब्राउज़र हो गया, जो वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच में डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम करता है? तो आपका होता है HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि जो भी आपका कनेक्शन है वो आपका सिक्योर कनेक्शन है। इसका मीन्स क्या है? आपने देखा होगा कि जब भी आपने मेरी साइट ओपन की होगी, तो यहाँ पर लिख के आता है sabdss.blogspot.com, और उसके पहले यहाँ पर लिख के आता है HTTPS। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख के आता है HTTPS। इसका मीन्स ये है कि जो आपकी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है, ये सिक्योर है, यानी कि आप इसमें अपना डेटा सेव कर सकते हैं। इसमें आपका जो डेटा है सेव रहेगा, यहाँ पर कोई इसको हैक नहीं कर सकता, यानी कि बोल सकते हैं कि आपका जो डेटा रहेगा सिक्योर रहेगा। तो इसको बोलते हैं HTTPS। कहीं कहीं बन के आता है, आपने देखा होगा, लॉक बन के आता है, इसको बोलते हैं पैडलॉक। तो इसका मीन्स भी यही होता है कि जो आप साइट ओपन कर रहे हैं वो कैसी है, वो आपकी एक इनक्रिप्टेड सिक्योर साइट है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? HTTPS आ जाएगा। अब बारी किसकी है? बारी है ट्रू फॉल्स की। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आपके यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, ईच स्टेशन इन द रिंग टोपोलॉजी एक्ट्स एज अ रिपीटर। जो आपका रिंग टोपोलॉजी होती है, उसमें जो प्रत्येक कंप्यूटर होता है, क्या वो एक रिपीटर की तरह काम करता है? तो बिल्कुल सही है। अब क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, UDP इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखिए, जो आपका UDP होता है, यानी कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये आपका कनेक्शन लेस होता है। कैसा होता है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जो आपका होता है TCP, ये आपका होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अगर आप लिखा होता है TCP तो आपका सही होता है, लेकिन चूंकि यहाँ लिखा गया है UDP इज कनेक्शन ओरिएंटेड, तो क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो आपके TCP और UDP होते हैं, ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फाइंड्स ओनली नॉन वायरसेस। तो बिल्कुल सही है। जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, वो सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम को कैच कर सकता है, पकड़ सकता है, जिनमें उस जिनका जो वायरस है, जिनका कोड उस प्रोग्राम में लिखा गया है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो जो आपने बनाया एंटीवायरस, उसमें आपने बताया भैया एक प्रोग्राम, एक वायरस है जिसका नाम है एक, एक प्रोग्राम जिसका नाम है दो। अगर आपके प्रोग्राम में जो आपका कंप्यूटर है उसमें 3 नाम का वायरस है, तो ये उसको स्कैन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका एंटीवायरस है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम जो जो वायरस है जिसका नाम एक है, जिसका नाम दो है, उसका कोड ही लिखा गया है। तो इस केस में क्या होगा? वो वायरस नंबर 3 को कैच नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ये सिर्फ उन्हीं वायरस को फाइंड कर सकता है जिनकी जिनका कोड उस एंटीवायरस में लिखा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर अप्रिशिएट फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। आपको बताना है कि जो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल है, क्या इसको यूज़ किया गया था मिलिट्री ऑपरेशंस में? तो बिल्कुल गलत है भैया। ये बताओ, जो आपके आर्मी वाले जवान होते हैं, मिलिट्री वाले जवान होते हैं, वो बंदूक लेकर टहलेंगे कि फाइबर ऑप्टिक केबल लेकर टहलेंगे? बताइए आप खुद, वो तार लेकर टहलेंगे कि बंदूक लेकर टहलेंगे? तो क्या हो जाएगा? ये आपका सरासर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, SMTP यूज़ फॉर इंक्रिप्शन फाइल्स। जो आपका SMTP होता है, क्या जो उसकी फाइल्स होती हैं, क्या वो इंक्रिप्ट होती हैं? तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अगर यहाँ पे लिखा होता कि जो आपका SMTP पोर्ट 465, तो ये आपका सही होता। क्यों? क्योंकि भैया जो आपका SMTP होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 25 पोर्ट पर करता है, जो कि इनक्रिप्ट नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है कि ट्विस्टेड पेयर केबल यूज्ड RJ-47 कनेक्टर। जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, क्या वो RJ-47 कनेक्टर का प्रयोग करता है?
तो सरासर गलत है। क्यों गलत है? देखिए, जो आपका होता है टी शर्ट पैर केबल, ये आपका RJ45 यूज़ करता है, ना कि 47। तो क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2.7, आपको बताना है कि CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स, जो आपकी CSS है उसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। तो बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिए, जो आपका CSS है इसका फुल फॉर्म यही होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें HTML को, जो पेज होते हैं उनको सजाना होता है, तो हम लोग HTML के साथ में इसको यूज़ करते हैं, और हम लोग HTML फाइल में इस वाली फाइल को, CSS फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये दो वीडियो में बताया होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है CSS का, ये आपके एक बार आया शायद एग्जाम में, ठीक है। और ये सरल होती है, जो आपकी लैंग्वेज है ये आपकी बहुत सरल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द पोर्ट 110 POP3 इज इनक्रिप्टेड पोर्ट। आपको बताना है कि एक आपका होता है प्रोटोकॉल, जो आपका होता है POP3, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो आपका एक ईमेल प्रोटोकॉल है, जो इसका पोर्ट होता है 110, क्या वो एक इनक्रिप्ट पोर्ट है? तो बिल्कुल गलत है, ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने मैसेज रिसीव कर रहे हैं वो आपका इनक्रिप्ट रहे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 995, आपको इस पोर्ट का प्रयोग करना होगा। किसका? 995 पोर्ट का प्रयोग करना होगा, यानी 995 पोर्ट का प्रयोग करना होगा, जो कि जो आपका 110 होता है, ये आपका एक इनक्रिप्टेड पोर्ट नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वीबी स्क्रिप्ट इंटरप्रिटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो आपकी वीबी स्क्रिप्ट है, क्या ये एक इंटरप्रिटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिए, जो आपकी वीबी स्क्रिप्ट है ये आपकी एक इंटरप्रिटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट एमएसएन इज़ आ एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। तो बिल्कुल सही है, जो आपका एमएसएन है ये आपका एक सर्च इंजन है, जैसे आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, वैसे ही आपका एक MSN, ये भी आपका एक सर्च इंजन है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही आप भैया आपके क्वेश्चन कितने सही निकले हैं आप उसको कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मुझे इंतजार रहेगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स, वंदे मातरम।